मैं अभी सुबह 4:30 को मेरे हॉस्टल से निकला हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट की तरफ। ऑलमोस्ट 5 बजे मैं पहुँच गया था बस स्टैंड। ये बस स्टैंड के यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे एक बस मिलने वाली है जो कि डायरेक्टली मुझे एयरपोर्ट छोड़ने वाली है। बट अभी क्या हुआ था कि वो जो बस आई थी ना, मतलब वो मुझे मालूम पड़ा कि वो तो फुल है और वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ जा रहा था तो मतलब खड़े नहीं रह सकते, ऐसा मुझे ये ड्राइवर ने बोला कि अब ये फुल है तो नेक्स्ट बस के लिए वेट करना पड़ेगा। और मेरा जो फ्लाइट था मतलब वो तो फिर डिले, मतलब मिस होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि 1.5 घंटे बाद नेक्स्ट बस था, सुबह 5:30 वाला बस था। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ पे दूसरे भी ट्रैवलर्स थे उनको भी जाना था एयरपोर्ट, एक एयर होस्टेस भी थी मतलब एयरपोर्ट में काम करने वाली एक थी, तो वो हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूशन के थ्रू एक टैक्सी कर ली, चलो सब शेयर करके जाएंगे वहाँ पे। तो ये बस अब वो एयरपोर्ट ही पहुँच रहे हैं हम उसी टैक्सी में। अब देख सकते हो नज़ारा चारों तरफ एयरपोर्ट का, इतना अच्छा एयरपोर्ट था, बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह आते वक्त जो व्यू भी था वो भी काफ़ी खूबसूरत था। और बस यहाँ पर हम पहुँच गए, अप्रोक्सीमेटली 60 dirhams हुए थे हम लोग का टोटल फेयर और मैं ये पहुंच गया हूँ। वीज़ एयर की मेरी फ़्लाइट है, आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, और मैं मतलब जल्दी जल्दी करके पहुंच गया वहाँ पे, फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग ही गया। एंड देन दिस इज़ द अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम लोग बस अभी लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। तो लॉन्च के लिए मैंने ये एस्केलेटर से पर्ल लॉन्च है वहाँ पर जाना था, मेरा जो कार्ड था जिससे मुझे प्रायोरिटी पास मिला था उसमें पर्ल लॉन्च का एक्सेस था, बस वहाँ पर अंदर गया मैं। और फिर ये मतलब मसाज चेयर्स लगी हुई थी वहाँ पे, आप वेट सोफ़ा भी था, वेटिंग एरिया ये सब मसाज चेयर्स है। और जैसे मैं अंदर गया तो जैसे मतलब मैं अंदर गया तो वहाँ पे मुझे ये पूरा ब्रेकफास्ट बुफे का पूरा काउंटर दिखा, बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रूट्स थे वहाँ पे, हनी था मतलब मिल्क टी कॉफ़ी वो सब था, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स थे वहाँ पे, ऐसे ही रखे थे जितना चाहो ले सकते हो, जूस भी था, ये योगर्ट था, फिर ये हनी है अरेबिक ब्रेड, उसके नीचे हनी आप देख सकते हो, ये सब सलाद वगैरह है, ये स्क्रैम्बल्ड एग्स, ये स्वीट था एक, ये मशरूम्स थे सॉल्टेड मशरूम्स, ये उपमा था, जैसे उपमा थोड़ा अलग लगा मुझे यहाँ का क्योंकि नूडल टाइप का था लेकिन टेस्ट में ऑलमोस्ट उपमा जैसे ही था। एंड दिस वर पैनकेक्स, पैनकेक उतना अच्छा लगा नहीं, ये पूरा टॉप पे था ये लॉन्च तो एयरपोर्ट का पूरा व्यू मिल रहा था। और यहाँ से मैंने ये मेरा प्लेट फुल करके मैं आ गया था, ये मैंने रिफिल कराया सेकेंड राउंड, काफ़ी अच्छा व्यू था, पूरा लॉन्च बहुत अच्छा था मतलब पहले नीट एंड क्लीन। और वहाँ पे फिर अल्कोहल का भी अरेंजमेंट था और एट द टॉप मतलब आसपास पूरा मतलब 360 का प्रॉपर व्यू आपको मिलेगा पूरे एयरपोर्ट का, बहुत अच्छा था ये, मतलब एम्बियंस वगैरह एकदम अच्छा था। 10 में से 8.5 का रेटिंग हम इसे दे सकते हैं, इट इज़ अ परफेक्ट 8.5/10। और फिर वहाँ से मुझे मेरे फ्लाइट के लिए वेटिंग एरिया के यहाँ पर जाना था क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब अराउंड 45 मिनट्स पहले हमें पहुँचना रहता है, 1 घंटा पहले। और वो बस मेरा जो गेट था वो काफ़ी आगे था ये लॉन्च से, तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा, वैसे एस्केलेटर तो था ही वहाँ पे बट फिर भी एस्केलेटर स्लो था, उसके लिए मुझे सामान लेके जाना पड़ा, ज़्यादा नहीं था बट हैंड बैगेज तो था ही। और ये मैं पहुँच गया मेरे गेट पर जहाँ पर मेरा वेटिंग एरिया था और बस वहाँ से फिर मतलब मुझे थोड़ा वेट करना था। और फिर बाद में वेटिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे सोफ़ा भी थे चेयर भी थे, नीट एंड क्लीन तो ऑब्वियसली रहेगा ही, बहुत बड़ा था, अच्छा लग रहा था, करीब 7:30 हो गए थे। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा वेट किया, मैंने वीज़ एयर की मेरी फ़्लाइट थी अबू धाबी से मस्कत की। अब जैसे हम लोग का मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हुआ तो ये बोर्डिंग के लिए वहाँ से जो मतलब हम लोग अंदर जा रहे थे उसका व्यू है और ये फ्लाइट के अंदर का व्यू है, मतलब फ़्लाइट काफ़ी अच्छा था, मतलब रीजनेबल फ्लाइट है, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा थे नहीं तो उसके लिए मैं जहाँ बैठा था उसके बाजू में मतलब आगे एक ओपन स्पेस था तो मुझे लेग रूम भी काफ़ी मिल गया था, मतलब आराम से बैठा था मैं, मैंने सोडा और एक दो कोल्ड ड्रिंक्स भी लॉन्च से लिए थे, बैग में डाल दिए थे, तो बस यहाँ पर मैं वो भी मतलब पी के इन्जॉय कर रहा था। ये मैंने लिया था सोडा लॉन्च से, मैं बैठा था, मेरी फ़्लाइट जैसे ही स्टार्ट हुई उसका वेट कर रहा था कि स्टार्ट हुई, और फिर हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में पहुंचने वाले थे मस्कत एयरपोर्ट।
तो बस अभी स्टार्ट होने वाली थी फ्लाइट, स्टार्ट हो गई और आप बाहर भी देख सकते हो कि विजर का ब्रांडिंग पानी के ग्लास में, व्यू काफ़ी अच्छा था, बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। व्यू देख के टाइम पास तो हो ही जाएगा, अंदर इतना अच्छा क्लाइमेट, मतलब बाहर ये व्यू है, अंदर ठंडा है, आप आराम से बैठ के आराम से पैर आगे करके देखते जाओ, बहुत अच्छा व्यू था। और मैं मस्कत पहुंचने वाला था अभी थोड़े टाइम में। मुझे ना फ्लाइट का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है, अगर आपको विंडो सीट मिल जाए ना तो बाहर देखते रहो आराम से बाहर का व्यू। ये मस्कत सिटी का व्यू है और नीचे जो पानी है वो ब्लू वाटर से, मतलब पूरा ब्लू कलर का पानी है। और हाँ, क्या व्यू है, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्लाइट व्यू था, बहुत अच्छा था। और हम लोग बस लैंड करने वाले थे ये मस्कत के रोड्स, फर्स्ट व्यू ऑफ मस्कत सिटी। हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज है अभी लैंडिंग के और अब फ्लाइट से बस बाहर आके हम लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो पैसेज से अंदर जाने का, ये एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था, काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छा एयरपोर्ट था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी डेवलप एयरपोर्ट बोल सकते हो, मुंबई एयरपोर्ट से शायद उतना बड़ा नहीं था, बट जो एम्यूनिटीज़ थी ना वो मुंबई एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छी थी। और मस्कत एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वहाँ पे ना क्लीनलेस तो हालांकि हर एयरपोर्ट में होता ही है, बट जो अलग शाइन था वहाँ का, वहाँ पे क्राउड कम था तो मतलब स्पेस भी था काफ़ी, बहुत लंबा बड़ा एयरपोर्ट था कह सकते हो काइंड ऑफ। हम लोग अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट में नमाज़ भी स्टार्ट हो गया था, मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट में नमाज़ भी होता है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि किसी एयरपोर्ट पे नमाज़ चालू हो जाए। और ये एयरपोर्ट का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट पे नमाज़, अरे सामने इमिग्रेशन क्लियर करना था, इमिग्रेशन काउंटर था सामने। दिस इज फॉर इमिग्रेशन, बस इमिग्रेशन क्लियर हो गया, कुछ खास पूछा नहीं मेरे से, बस मेरा वीज़ा मांगा, पासपोर्ट, दैट्स इट, हो गया, ना रिटर्न टिकट ना होटल बुकिंग। और अब यहाँ से मैं वैसे बाहर पहुँच गया था, बट मुझे अब सिम कार्ड ख़रीदना था, मैं ढूंढ रहा था। वैसे ये लॉटरी टिकट वाली एरिया मुझे मालूम पड़ी। हाउ मच इज़ द लॉटरी टिकट फॉर द लॉटरी टिकट? 20 रियल्स फॉर द आईफोन आल्सो? आईफोन आल्सो? No, no, for the iPhone, if you buy chocolate, you will get that one. Oh. If you buy chocolate also, you will get also that one. And for that cash price, 20 riyals. For that 1 lakh. $100,000. Yeah. 20 riyals. Okay. Thanks. For 20 riyal ka ticket hai, agar 1 lakh dirham jeetna ho to agar. Welcome to Muscat. काफ़ी महंगा था यहाँ का, मैंने अराउंड 4 रियाल पे किया था और ऑलमोस्ट 6 GB, 4 रियाल 6 GB के लिए, मतलब करीब 850-900 रुपये हो गए। और वो भी सबसे सस्ते में सस्ता था, वो सबसे सस्ता वाला जो था वो, उसका प्राइस मैं बता रहा हूँ, मतलब 800 रुपये में आपको 6 GB मिलेगा। यहाँ पे तो 2-2 GB रोज़ मिलते हैं। ये जो वोडाफोन का रेड प्लान था ना, उसी के अंदर मैंने एक प्लान लिया था, तो वो मेरे को ऑलमोस्ट 5 GB जो था वो इतने महंगे में मिला। एंड दिस इज द चीपेस्ट, दिस इज द लोएस्ट प्लान, 5 GB 4 रियाल, यानी कि 850 रुपये के, 900 रुपये के करीब हो गया।
और अब क्या करें, मतलब सबसे सस्ता वही था तो मैंने करा लिया। एक हफ्ते मुझे रहना था, तो तीन चार दिन के लिए, चार दिन था मैं वहाँ तो। और ये बस स्टैंड है, मतलब एयरपोर्ट से जब ग्राउंड फ्लोर पर जाओगे तो वहाँ पे बस स्टैंड मिलेगा आपको, और वहाँ से फिर बस नंबर 1 जो आती है ना, वो मतलब लेके जाएगी आपको मस्कत के अंदर, जहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पे एक एयरपोर्ट की एक ही बस है, बस नंबर 1। मुझे तो यहाँ पे मतलब एक टैक्सी वाला भी मिल गया जो स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, आठ किलोमीटर का, आठ भी नहीं था, सात या छः सात किलोमीटर था उसका, मुझे वो 5 रियाल चार्ज कर रहा था। मैं नहीं चाहिए, बस में जाऊँगा तो 1 रियाल भी नहीं होगा, बस चेंज करके जाना था। ये मैं बस में बैठ गया, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो मस्कत सिटी का, काफ़ी वेल डेवलप लग रहा था। अभी ये मैं पहुँच गया हूँ मस्कत बस के अंदर, और आप देख सकते हो बस के बाहर का व्यू, बस काफ़ी अच्छा था, वेल डेवलप, एकदम हाइजीनिक, एसी पावरफुल था, वाईफाई भी वहाँ पे अवेलेबल था, तो मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर उसमें ट्रैवल करोगे ना तो आपको ऐसे क्राउड ज़्यादा होगा ऐसा कुछ लगेगा नहीं, अच्छा था, एकदम आराम से आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे। और मतलब एक डेवलप कंट्री जो कहते हैं ना, उसके सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर मिलेंगे। ये आपको सुल्तान कुबूस मॉस्क जो आप सामने देख रहे हो वो है, वहाँ के सुल्तान ने बनाया था, बहुत बड़ा मॉस्क है, मस्जिद हर जगह दिख रही है आपको यहाँ पर। अब मैं ये बस से उतर के दूसरी बस लेने वाला हूँ, ये बस स्टैंड के यहाँ पे, बस स्टैंड भी यहाँ का ऐसा होता है कांच से बना हुआ, अंदर फुल वेल मेंटेन। यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि बस स्टैंड में अगर आप खड़े हो ना तो बटन आप दबाओगे वो खुल जाएगा, फिर से दबाया बंद हो गया। ये ओमान का बस स्टैंड है, एंड वी आर गोइंग टू वॉच योर होस्टल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और कितनी अच्छी है वो तो हमें ऊपर से मालूम पड़ गया। अच्छा हम लोग एयरपोर्ट पे थे, एयरलाइन पे थे, मतलब फ्लाइट में थे, ऊपर से नीचे देखा तभी हमें मालूम पड़ गया कितना अच्छा है। इमिग्रेशन कुछ खास था नहीं मेरे दुबई या फिर, अभी मस्कत की बात करूँ ना, मेरे को बस वहाँ पर मेरा वीज़ा लिया, पासपोर्ट लिया, वही चेक किया, एंड दैट्स इट, टूरिस्ट को जाने दिया। एक सवाल तक नहीं पूछा ना, रिटर्न टिकट मांगा ना बुकिंग मांगा, होटल बुकिंग बस मुझे एक ही जगह पर पूछा था, वो भी एयरलाइन वालों ने पूछा था बस। अदरवाइज कुछ बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जाओ आप वीज़ा पासपोर्ट दिखा दो, आपका इमिग्रेशन हो जाएगा ना, अनलेस एंड अनटिल जो भी क्राइटेरिया है उसमें अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो। मस्कत अच्छा कनेक्टिविटी है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कनेक्टिविटी वाइज बाहर है नहीं जगह जहाँ पर मेरे जैसे वादी साहब जाने वाला है, मुझे प्राइवेट ही करना पड़ा, तो लाइक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन दैट केस। बट या अभी बस की बात करते, यहाँ तक मैंने सिर्फ आधा रियाल पे किया है, दूसरा जो मेरा सेकंड बस स्विच करूँगा उसमें मैं मोस्टली आधा रियाल ही देने वाला हूँ, उतना चीप नहीं है बट इट इज़ ओके ओके, उतना तो अब इतना एसी दे रहे हैं आपको, हर एक चीज़ दे रहे हैं, तो उतना तो वो लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते कि पे करेंगे तभी वो सर्विस मेंटेन हो गया। और ये बस नंबर 9 जो हमें लेनी थी, और वहाँ से हम अब जा रहे थे अपने हॉस्टल की तरफ, जो नियरेस्ट बस स्टैंड था वो अल घुघरा बस स्टैंड था, वहाँ पर उतरना था मुझे, बस वहाँ उतर गया। और अब हम लोग उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं हमारे हॉस्टल के पास। वैसे तो ओमान का जो करेंसी रेट चल रहा है वो 215 इंडियन रुपीज़ एक ओमानी रियाल बनता है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे मैंने अभी जो राइड किया था उसमें 4 स्टॉप्स थे और उसका मैंने 3.300 रियाल पे किया, तो इसमें 0.300 का भी वैल्यू है। तो वो लोग सर्विस भी इतनी अच्छी दे रहे हैं, बस स्टैंड भी सारी जगह एसी है, चार्जिंग प्लग्स भी है, प्लस मतलब हो सकता है कि महंगा लगे लेकिन मुझे तो ये महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से तो ये काफ़ी ठीक है। अभी हम लोग हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, अब देख सकते हो ओमान सिटी का व्यू मेरे पीछे। यहाँ पे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप कर रहे हो और कोई गाड़ी आएगी तो अगर सिग्नल नहीं है तो रुकना पड़ेगा, अगर आप क्रॉस कर रहे हो सामने जैसे ग्रीन सिग्नल है मतलब आप जा सकते हो। और फिर ये बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल था, ये हॉस्टल मतलब वो बिल्डिंग के अंदर का ऐसा व्यू था, मैं लिफ्ट बुलाया और अब मैं बस जा रहा हूँ उस फ्लोर पे जहाँ पे हॉस्टल है। तो ये मैं हॉस्टल के एंट्रेंस पे पहुंच गया हूँ। दिस इज विवा हॉस्टल राइट? विवा हॉस्टल, हेलो, ये बाहर का नज़ारा, कंस्ट्रक्शन चल रहा था हर जगह पे और बहुत सारे बिल्डिंग भी बने हुए थे। हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी,
तो अभी मैं अंदर जाऊंगा मेरे बेड के यहाँ पे। एक्चुअली ये बेड चेंज हो गया और मुझे फिर एक सिंगल बेड मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग बहुत दूर था। मैंने वही बताया वो हॉस्टल के मैनेजर को, और वो बंदा अच्छा था, उसने चेंज कर दिया। और जिस रूम में रखा वो तो सिंगल ही बेड था पूरा, काफ़ी क्लीन रूम्स थे यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, चले। और फिर यहाँ पे किचन भी था, किचन में ऑयल अवेलेबल था वो लोग का। आप जितना खाना रॉ मटेरियल लाओ, खुद जितना बनाना चाहो बना सकते हो। वॉशिंग मशीन भी था वहाँ पे, जिम भी था, कॉफ़ी अनलिमिटेड, चाय कॉफ़ी, फ्रिज भी दिया हुआ था, फ्रिज में भी जो चाहो वो रख सकते हो। कपड़े जितना टाइम धोना चाहो आप धो सकते हो, वॉशिंग मशीन की भी फैसिलिटी थी। ये भी हॉस्टल में तो काफ़ी अच्छा था। ये जो ब्लू टी शर्ट में आपको दिख रहा है ना, वो वहाँ का, ये ब्लू टी शर्ट में वहाँ का मतलब केयर टेकर आप बोल सकते हो, जो भी क्लीनिंग वगैरह काम था वो देखता था। ये फ्रिज है, फ्रिज भी अवेलेबल था, आप जो चाहो ला के रख सकते हो, जब चाहो तब यूज़ भी कर सकते हो।